मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता कैसा होता होगा ईश्वर, पर शायद किसी कहानीकार जैसा होता होगा। अपने मुख्य पात्रों की कथा लिखने में व्यस्त हमें भूला हुआ सा। उसने लिखा होगा भीड़, और उसकी कलम के नीचे हम सब इकट्ठा हो गए होंगे। पर उस एक पल हम सब ने महसूस किया होगा ईश्वर के हाथों अपना लिखा जाना, और उतना ही अंश आस्था का हमारे पास बचा रह गया होगा। मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता कैसी होती होगी आस्था, पर शायद किसी दुख और पीड़ा से भरे दृश्य को देखते हुए सुखांत के पता होने जैसी होती होगी आस्था। या फिर शायद दो महानायकों के युद्ध के बीच चुपचाप बिना विरोध का स्वर उठाए मारे जाने जैसी होती होगी आस्था। मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता कैसे सुनता होगा ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं, पर शायद जब किसी एक दुख पर बहाए हुए बहुत सारे आंसू सूखकर बादल बन जाते होंगे और आसमान की नीली स्लेट पर लिखते होंगे कोई संकेत जिसे सिर्फ ईश्वर पढ़ सकता है, और इसीलिए शायद मैं ठीक ठीक नहीं जानता कैसा होता होगा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को नहीं जानने के दुख में अभी उतने आंसू बहाए नहीं गए हैं जितना कि खून।